हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक खास विषय के बारे में, जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, ना ही कोई यूट्यूबर आपको बताता होगा, ना ही कोई मोबाइल कंपनी चाहती है कि ये चीज़ आपको पता चले। चलिए आज हम बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जो आपसे छुपाई गई है। लगातार हम मोबाइल चेंज करते रहते हैं, लगातार हर साल या हर 6 महीने में एक कोई ना कोई कंपनी कोई ना कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च कर देती है, जिसके द्वारा हमें आकर्षित किया जाता है कि इस फोन में काफ़ी अच्छी और ज़्यादा रैम है, काफ़ी बड़ी स्टोरेज है इसमें, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, इसकी डिस्प्ले बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी की है, हाई रेजोल्यूशन की है, इसकी बॉडी बहुत ही स्लिम और बहुत ही खूबसूरत है, इसमें क्रिस्टल क्लियर कैमरा और वाइड रेंज और लॉन्ग रेंज वाला कैमरा लगाया गया है। और कहीं ना कहीं हम खुश होकर या उससे आकर्षित होकर ये सोचकर कि ये फ़ोन हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, उसको हम खरीद लेते हैं और उसको 1 साल यूज़ करते हैं, वहीं दूसरा फ़ोन लॉन्च हो जाता है, 1 साल भी नहीं होते, उसमें बताया जाता है कि अब इस बार इसमें ये प्रोसेसर लगाया है जो पिछली बार जो अभी तक किसी के पास नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसमें स्टोरेज इतनी लगाई गई है और रैम ऐसी यूज़ की गई है और कैमरा पिछली बार वाले से अच्छा या अब तक किसी भी फ़ोन में लगाया नहीं गया है। जो कैमरा इसमें लगाया गया है वाइड एंगल कैमरा है, वाइडेस्ट एंगल कैमरा है और लॉन्ग रेंज वाला कैमरा है, क्रिस्टल क्लियर इमेज कैप्चर होती है, काफ़ी दूर की इमेज आप जूम करेंगे तो वो कहीं फटेगी नहीं, तो ये बताया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है ये क्या आपको मालूम है? जो फ़ोन हम ले लेते हैं मार्केट से, उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से और कई फीचर्स में जो बग्स होते हैं उनको फिक्स करने के लिए और उसमें कुछ खूबसूरती डालने के लिए सॉफ्टवेयर्स में, तो हम निरंतर सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहते हैं। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर हम अपडेट करते रहते हैं वैसे वैसे कंपनियां क्या करती हैं, उसमें कुछ ऐसे अपडेट्स कर देते हैं या कुछ ऐसे फीचर्स फिक्स कर देते हैं जो हमारे फ़ोन के परफॉर्मेंस को धीरे धीरे लो करते हैं, कैमरे की क्वालिटी को भी धीरे धीरे लो करते हैं। ये वही लोग जान सकते हैं जो काफ़ी समय से फ़ोन चेंज करते आए हैं और काफ़ी फ़ोन यूज़ कर चुके होते हैं, वो लोग ये बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं कि हम कई सालों से फ़ोन चेंज कर रहे हैं और हर बार हमें ये बताया जाता है कि इस बार इसमें ये है और हम वो समझ के इसको ले लेते हैं कि इस बार इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज की गई हैं। मगर साल भर होता है हमारे फ्रेंड के पास एक नया फ़ोन आता है, हम उसे कंपेरिजन करते हैं तो हमारा फ़ोन बिल्कुल रद्दी लगता है, ऐसा क्यों है? क्वालिटी को डाउनग्रेड कर दिया जाता है, जिस अपग्रेड करके डाउनग्रेड कर दिया जाता है, जिसके कारण जो नया फ़ोन आया होता है तो आपको लगता है कि हाँ वाकई में मेरा फ़ोन अब उस लायक नहीं रहा या इस समय के लिए मेरा फ़ोन अच्छा नहीं है, तो हम अपना फ़ोन चेंज कर देते हैं। मगर हम एक चीज़ पर गौर नहीं करते कि यदि ये कंपनियाँ दसियों सालों से ये कहते आई हैं हम कि इस बार क्रिस्टल क्लियर कैमरा, इस बार इतनी रेंज का कैमरा, इस बार इतने MP का कैमरा, इस बार ये है इसमें, इस बार वो है, तो कहीं ना कहीं अब हमारे पास एक टेलीस्कोप वाला मोबाइल होना चाहिए जिससे चांद को भी हम जूम करके देख सकें। मगर ऐसा नहीं होता, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये मोबाइल कंपनियां हमें बेवकूफ़ बना रही हैं? डिस्प्ले को नहीं छेड़ सकते, आपकी स्टोरेज को भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ करके कम करा जाता है, रैम में भी शायद खिलवाड़ किया जाता है, प्रोसेसर से खिलवाड़ नहीं हो पाता, प्रोसेसर जिस क्वालिटी का होता है वही क्वालिटी का रहता है। आपको इस बात पर हमें गौर करना चाहिए और गौर करके अगर जो लोग ये फ़ोन काफ़ी यूज़ किए हैं वो जानते हो कि मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है, मैंने कई फ़ोन चलाए हुए हैं, कई सालों से मैं फ़ोन चला रहा हूँ, 10-12 साल से मैं लगातार स्मार्टफोन चला रहा हूँ, मैंने पहले फीचर फ़ोन भी चला, स्मार्टफोन चला रहा हूँ, मैं हर बार यही सोच कर लेता हूँ कि इस बार इसमें ये होगा, मगर वो होता है वो धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, जो 1 साल 6 महीने में ही हमें लगने लगता है कि हाँ मेरा फ़ोन वो क्वालिटी का नहीं रहा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी राय कैसी लगी। नमस्कार।